तो स्टूडेंट्स देखिए आज की क्लास में क्या है, बॉल है, ठीक है, ग्लास है और एक ट्रफ, हमने ट्रफ ले रखा है, ठीक है ना। क्या करेंगे इसका देखते हैं। दिस वीडियो इज रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.8, ठीक है। क्लास 9 में सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को हम लोग बच्चों पढ़ रहे थे। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं किसका, एक्सरसाइज 13.8 का। 13.7 को हम पहले ही बच्चों फिनिश कर चुके हैं। इस वीडियो में बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई r³ होता है, जहाँ पे r क्या है, रेडियस है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और इसका एक फील लेंगे कि फॉर्मूला ऐसा क्यों है, ठीक है, ताकि हमको थोड़ा सा याद हो जाए। अच्छा, अगर आप बच्चों चैनल पे न्यू आए हैं तो मैं आपको बता दूं, कमेंट सेक्शन चेक करिए। कमेंट सेक्शन में एक पिन कमेंट होगा। पिन कमेंट क्या होता है सर, सबसे ऊपर जो कमेंट आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोर पे क्लिक करिए, पूरा सिलेबस बच्चों ओपन होके आएगा। वहाँ पर जाके आपको क्लिक करना है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एनसीईआरटी वाले लिंक पे, तो आपको इस चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। एक और ख़ास बात इस चैनल के बारे में, यहाँ पे आपको बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सोल्यूशन मिल जाएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या होता है सर, बच्चों सीबीएसई ने आपकी प्रैक्टिस के लिए एक बुक लगा के रखी है एनसीईआरटी के साथ साथ। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है, जिसको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बोलते हैं। तो जब भी टाइम मिले एग्जाम्पलर को ज़रूर लगाएं, ठीक है। एग्जाम्पलर के भी सोल्यूशन पिन कॉमेंट में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई लिंक नहीं रहा है, तो आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं 7503644171, तो लिंक यहां से आपको सेंड कर दिया जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों आप लोगों ने अपनी क्लास में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना, क्या कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर तो सबको पता है ना, ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है। ऐसा स्फीयर हमने बना के दिखाया था जब हम सरफेस पढ़ा रहे थे, स्फीयर का याद है। तो ये देखिए स्फीयर है, एक 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक। ये स्पेस में वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ठीक। तो इसका वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करता है ये, इसको आप कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, तो जवाब है 4/3 पाई r³, जहां पर r क्या है, इसका रेडियस है। इसी डायग्राम को अगर हम व्हाइट बोर्ड में बनाएं तो ये देखिए स्फीयर आपको ऐसा दिखेगा, यहाँ कहीं स्फीयर का सेंटर है और ये इसका रेडियस है। कोई डाउट है बताइए। अब पहले तो आप ये समझो बच्चों कि व्हाट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या है, हम पहले भी बता चुके हैं। वॉल्यूम का मतलब है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसका वॉल्यूम, सही है। अभी देखो जरा यहाँ पे क्या कोई सब्सटेंस भरा हुआ है, कोई मटेरियल है, एयर है, एयर है भाई। अभी यहाँ पर आंखों से नहीं दिख रही है एयर आपको, लेकिन एयर है यहाँ पर। तो अभी तो स्पेस को किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, एयर ने, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए, ये बॉल अगर अभी हम लेके आएंगे, ध्यान से चेक करिए, अभी यहाँ पर क्या है बताओ, एयर है। अब हम ये बॉल लेके आ रहे हैं, क्या करेगा, एयर एक फ्लूइड है। फ्लूइड क्या होता है, ऐसे मटेरियल जो फ्लो कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे वाटर फ्लो कर सकता है, ये फ्लूइड है, एयर फ्लो कर सकती है, ये फ्लूइड है। तो जब हम बॉल लेके अभी यहाँ पर आएंगे, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, ये बॉल लेके आए, आपको तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन लेट अस अज्यूम कि एयर में कलर होता, मान लो कि एयर में कलर होता, ऑरेंज कलर की एयर होती, सोचो ये ऑरेंज कलर की एयर होती। तो इस बॉल को जब हम लेके आते ग्रीन वाली बॉल को यहाँ पर, तो आपको ऑरेंज कलर हटता हुआ नजर आता, सही है। तो बॉल ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेस मतलब विस्थापित कर दिया, हटा दिया। बॉल ने किसको विस्थापित कर दिया, किसको डिस्प्लेस कर दिया, एयर को, एयर को डिस्प्लेस कर दिया। हमने बोला कितने स्पेस का एयर डिस्प्लेस किया है, तो आप बोलोगे जितना इसने स्पेस ऑक्यूपाई करना है उतना ही वो स्पेस का एयर को डिस्प्लेस करेगा। ध्यान चेक करो, यहाँ पे भी एयर है ऑरेंज कलर की, ये बॉल लेके आए, एयर हट गई होगी यहाँ की, किसने जगह ले ली, उसकी बॉल ने। कोई डाउट है। तो मेरी बात ध्यान से समझिए बच्चों, अगर हम आपसे ये पूछें बॉल ने कितना एयर हटाया, तो आप बोलोगे कितना एयर हटाने का, ये मतलब है हम एयर का वॉल्यूम पूछ रहे हैं आपसे। हम क्या पूछ रहे हैं, एयर का वॉल्यूम पूछ रहे हैं, कितनी वॉल्यूम की एयर हटी। वॉल्यूम को आप किस में मेजर करते हो, मीटर क्यूब में। जरूरत पड़ने पर आप उसको लीटर में ले जाते हो। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1000 लीटर। याद है ना आप लोगों को रिलेशन, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, 1000 लीटर। यही होता है, कई बार आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। तो बच्चों अगर हम आपसे पूछें कि कितने वॉल्यूम का एयर हट गया यहाँ से, डिस्प्लेस हो गया, किसने डिस्प्लेस किया, बॉल ने। कितना डिस्प्लेस किया, तो आप मेरे को ये बोलोगे सर बॉल का जो वॉल्यूम है ना, बॉल का जो वॉल्यूम है उतने ही वॉल्यूम की एयर यहाँ से डिस्प्लेस हो गई। वॉल्यूम क्या होता है सर, अरे इसने जो स्पेस ऑक्यूपाई करी है ये, यही तो इसका वॉल्यूम, यही तो इसका वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो कितने वॉल्यूम का एयर डिस्प्लेस हुआ, तो जवाब है बॉल का जो वॉल्यूम है उतने ही वॉल्यूम का एयर यहाँ से डिस्प्लेस हुआ। क्या यही एक्सपेरिमेंट आप बच्चों वाटर के साथ कर सकते हैं। दिमाग से जरा खुद थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए बच्चों, मान लीजिए कि हमारे पास एक कंटेनर है, ये देखिए ये कंटेनर है, ठीक है। ये नीचे से तो क्लोज है, नीचे से तो क्लोज है, ऊपर से ओपन है, ठीक। और हमारे पास एक मेजरिंग सिलेंडर है। सर मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है बच्चों, मार्केट में मेजरिंग सिलेंडर आता है, आप केमिस्ट्री लैब में ज़्यादातर देखेंगे। मेजरिंग सिलेंडर कैसा होता है हम आपको बताएं, ठीक है ना। ये देखिए एक सिलेंड्रिकल वेसल होगा और इस पर यहाँ पर रीडिंग्स लिखी होती हैं, है ना, एमएल में या लीटर्स में। दूध वाला भी मेजर करता है मेजरिंग सिलेंडर से, ठीक है ना। बहरहाल चलो छोड़ो, कुछ लोग लैक्टोमीटर समझ रहे हैं, मैं लैक्टोमीटर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो दूध की शुद्धता वगैरह की जांच पीएच उसका चेक करते हैं, वो छोड़ो, ठीक है ना। मैं मेजरिंग सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, भाई ध्यान से चेक करो ना, ऐसा सिलेंडर आता है बाजार में, आपने केमिस्ट्री की लैब में देखा होगा अगर गए होगे कभी तो। ये देखिए यहाँ पे ऐसे यूनिट्स लिखी रहती है एमएल में, मिलीमीटर में, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे 0 मिलीमीटर है और यहाँ कितना है 5 मिलीमीटर कह रहा हूँ, सॉरी एमएल मिलीलीटर है। तो इस तरीके से वॉल्यूम यहाँ पर लिखा रहता है। मतलब अगर हम इसमें ऐसा कोई लिक्विड डाल दें मेजरिंग सिलेंडर में और वो लिक्विड, ध्यान से समझो, वो लिक्विड अगर यहाँ तक आ जाए ऐसे, तो हम बोलेंगे हाँ भाई इसमें जो लिक्विड गया है, ये जो लिक्विड गया है, इस लिक्विड का वॉल्यूम कितना है 500 मिलीलीटर, सही है। या लीटर्स में लिखा हुआ है तो जो भी यहाँ पर लिखा है, चलो लीटर में ले लो तुम्हारे आराम के लिए, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये लीटर्स में रीडिंग लिखी हुई है सपोज, किसमें लीटर्स में। तो लिक्विड अगर यहाँ तक आ गया तो कितना लीटर लिक्विड है इसमें, 3 लीटर्स। कोई डाउट है बताइए। ये चीज़ है, लीटर को बच्चों मीटर क्यूब में और मीटर क्यूब को आप लोग लीटर में चेंज करना आप लोगों को आता है। क्या रिलेशन है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो हम लीटर को मीटर क्यूब में, मीटर को लीटर क्यूब में, मीटर क्यूब को लीटर में, हम सॉरी मीटर क्यूब को लीटर में ले जा सकते हैं और लीटर को मीटर क्यूब में ले आ सकते हैं। तो ये इसमें तो टेंशन नहीं है। लेकिन ध्यान से चेक करो, अभी ये जो बॉल और एयर के साथ हमने किया था, अगर यही हम क्या करें, ये कंटेनर लिया और क्या लिया, एक मेजरिंग सिलेंडर, ये क्या है मेजरिंग सिलेंडर लिया जो कि किसी लिक्विड के वॉल्यूम को क्या कर सकता होगा, मेजर। कुछ नहीं करना होगा, इसमें लिक्विड डाल दीजिए, जहां तक भी आएगा रीडिंग पढ़ लीजिए तो उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम होगा। अब ध्यान से चेक करो, पहले ये जो कंटेनर आपने लिया है, इस कंटेनर को बच्चों पूरा पानी से भर दीजिए, पूरा वाटर तक, इसके ब्रिम तक। ब्रिम क्या होता है, ये जो टॉप वाला किनारा है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिम बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके ब्रिम तक आप इसमें पानी ऐसा भर दीजिए, भर दिया। चलो अब एक काम करो, एक ट्रफ ले लो, ट्रफ, एक ट्रफ ले लो ऐसा, ये एक बर्तन ले लो ऐसा नीचे, ठीक, और ये वाले को उठा के इसमें ऐसा रखो, ठीक। ये पूरा पानी से भरा हुआ है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है ना, ओके। अब क्या होगा, इस बॉल को, अब देखो बच्चों हमारे पास ये ग्लास ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, ठीक है, तो हम आपको ऐसे ही समझा रहे हैं। बॉल हमारी लगभग उतनी पड़ गई, बॉल आपको ऊपर दिखाई पड़ेगी बट ऊपर नहीं। बॉल आपको लेनी है सॉलिड और आपको बहुत ही जेंटली, मतलब बहुत आराम से इसमें छोड़ देनी है। और नीचे क्या रखा हुआ है बताइए, नीचे क्या रखा हुआ है, ट्रफ रखा हुआ है ऐसे, ठीक है ना। ये इसमें कंटेनर में रखा हुआ है, ये कुछ लंबा सिलेंडर ऐसे बना लो, ये इसके बेस तक ऐसे आता होगा, इसमें लिक्विड ऐसे भरा हुआ है, ठीक है। जैसे ही आपने इसमें बॉल डाला, बॉल धीरे से कहाँ आ जाएगा, नीचे। जैसे ही बॉल नीचे आ जाएगा, बॉल क्या करेगा, लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, तो वो लिक्विड निकल के कहाँ गिरेगा बताइए, हाँ फ्लो हो जाएगा इसमें। तभी तो हमने बोला बहुत ही जेंटली बॉल को ड्रॉप करना है, पता लगा ऐसे करके फेंक रहे हैं, आधा पानी तो बाहर ही चला गया। हमको उस पानी को कहाँ पे आने देना है, इस ट्रॉप में, ठीक है। अब इसी चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हो, पानी मैंने जानबूझ के यहाँ नहीं भरा है, नहीं तो फिर माइक वाइक में गिर जाता तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें पानी, ये जेंटली बॉल को ऐसा छोड़ो, बॉल चली जाएगी नीचे। बॉल अपनी बच्चों क्या बनाएगी, स्पेस, किसको हटाकर, वाटर को हटाकर। और वो पानी कहाँ चला जाएगा, इस ट्रफ में चला जाएगा पानी। हमने आपसे ये पूछा कि बताओ कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया किसने, इस बॉल ने कितना पानी हटाया। तो आप बोलोगे सर एक काम करो, बॉल का क्या निकाल लो, वॉल्यूम, सही है ना। जो बॉल का वॉल्यूम होगा उतना ही तो वाटर का वॉल्यूम होगा। कौन से वाटर का वॉल्यूम, जो इस ट्रफ में आ चुका। पहले तो ट्रफ खाली था, ये बॉल डाला तभी तो इसमें थोड़ा बहुत पानी आया। अब एक काम करो, इस ट्रफ में जो भी पानी आया है, इसमें कुछ पानी आ गया होगा, ठीक है ना। इस वाटर को बच्चों, और एक चीज आप बच्चों यहां पर आप समझ रहे हैं, एक चीज क्या, ध्यान से चेक करिए, आप अभी अभी समझ रहे हैं कि भाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो कुछ भी होगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ वाटर, कौन सा वाटर, डिस्प्लेस बाय द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द व्हाट, स्फीयर। स्फीयर ने जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया होगा वाटर का, ठीक है ना, वो वाटर का वॉल्यूम हमें कैसे मिलेगा, वॉल्यूम के, सॉरी स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा वो, ठीक है। जो पानी हटा किसके द्वारा हटा बताइए, बॉल के द्वारा या स्फीयर के द्वारा, उस वाटर का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द स्फीयर इज इक्वल्स टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। कोई डाउट है? हाँ, तो इसमें जब पानी आ गया ऐसे, हाँ, तो इसको हमने जेंटली हटाया, इसमें बॉल है, इसको हमने हटा दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको ले जाके किस में डाल देंगे, मेजरिंग सिलेंडर में। आराम से सारा पानी धीरे धीरे मेजरिंग सिलेंडर में डाल दो। अब मेजरिंग सिलेंडर में जब आपने डाल दिया तो आपको क्या मिल जाएगा बताओ, वॉल्यूम मिल जाएगा। किसका वॉल्यूम मिल जाएगा, वाटर का। कौन से वाले वाटर का, जो वाटर डिस्प्लेस किया, किसने डिस्प्लेस किया था, बॉल ने। बताओ ये इतना पानी यहाँ तक आ गया, मान लो अब हमें नहीं पता रीडिंग कितनी आ रही बच्चों, जो भी आ रही हो 1 लीटर हो, लेट अस अज्यूम कि कितना आ रहा है 1 लीटर वाटर आ रहा है मान लो ऐसी फालतू में आ तो कुछ भी रहा होगा हमें नहीं पता। ठीक है तो बच्चों क्या हम नहीं बोल सकते हैं, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, क्या हम नहीं बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर, कौन सा वाला वाटर है ये, वाटर डिस्प्लेस्ड जो कि डिस्प्लेस हो गया था, और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, दोनों को ही हम किसके इक्वल बोल सकते हैं बताओ, 1 लीटर के बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, नहीं समझ में आई बात भाई। स्फीयर का जो वॉल्यूम था वही तो वाटर डिस्प्लेस का वॉल्यूम था, तो मैंने बोला दोनों बराबर है, और स्फीयर का तो वॉल्यूम नहीं मिल पा रहा था लेकिन किसका वॉल्यूम मिल गया, वाटर का। तो जो वाटर का वॉल्यूम कितना है चेक करो, 1 लीटर है 1 लीटर है, तो यही तो हम बता रहे हैं क्या कि जो वाटर डिस्प्लेस का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय व्हाट, डिस्प्लेस्ड बाय स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपस में इक्वल है, दोनों का वॉल्यूम कितना आ रहा है 1 लीटर आ रहा है। कोई डाउट है बताइए। लेकिन पता है इत्तेफाक क्या होता है, इत्तेफाक ये होता है कि जब हमने थोड़ी सी बच्चों ट्रिक विक लगा के मैथ्स वैथ्स लगा के चेक किया तो हमने क्या देखा, ध्यान से समझिए, हम क्या देखते हैं कि समझिए बात को, जो स्फीयर आपने डाला उसका कुछ तो रेडियस होता होगा, सपोज उसका रेडियस कितना है r है, अरे भाई उसका रेडियस कैसे मेजर करोगे, वर्नियर कैलिपर्स आता है लैब में, इसका डायमीटर मेजर कर लो पहले, ठीक है वर्नियर कैलिपर्स आपको सिखाया जाएगा आगे जाके 11th में, परेशान ना हो, इसका डायमीटर आप मेजर कर लो, डायमीटर को मेजर करके 2 से डिवाइड कर दो तो बॉल का रेडियस पता चल जाएगा, स्फीयर का रेडियस पता चल जाएगा। तो इस स्फीयर का जो भी रेडियस होता होगा, ध्यान से चेक करिए, हमने क्या देखा कि जो हमारा वॉल्यूम आता है, अब ये देखो लीटर में आया होगा तो आप इसको मीटर क्यूब में तो चेंज कर लोगे आराम से, कैसे 1000 से डिवाइड लगा के, चेक करो 1 लीटर इज इक्वल्स टू, अगर 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर है तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब, यानी कि मीटर क्यूब में अगर आपको लाना हो किसको, लीटर को, ठीक है ना, 1 लीटर में अगर 1/1000 मीटर क्यूब होता है तो 2 लीटर में कितना हो जाएगा बताइए, 2 × 1/1000 मीटर क्यूब। अरे सिंपल सा समझो, ज़्यादा भी टेंशन मत लो, आपको अगर लीटर को किस में ले जाना होगा, मीटर क्यूब में, भाई चेक करो ना 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब होते हैं तो 2 लीटर में कितना हो जाएगा 2/1000, 2 × 1/1000 करोगे 2/1000 हो जाएगा। 3 लीटर में कितने मीटर क्यूब, 3 × 1/1000 यानी कि 3/1000 मीटर क्यूब। तो जितना भी लीटर आ रहा होगा उसको 1000 से डिवाइड कर देना तो रेडियस किस में, सॉरी तो वॉल्यूम किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब में। यानी कि जैसे कि मान लो बच्चों यहाँ पर अगर वॉल्यूम आ रहा होता 2 लीटर, कितना आ रहा होता 2 लीटर, ठीक है तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाता 2/1000 क्या मीटर क्यूब। कोई डाउट है बताइए। अब सुनो, पता है ये जो वॉल्यूम आ रहा है हमने चेक किया कि ये वॉल्यूम किसके इक्वल था 4/3 पाई टाइम्स, ध्यान से चेक करिएगा, ये जो वॉल्यूम आया स्फीयर का, वॉल्यूम आया किसका स्फीयर का, ये किसके इक्वल आया 4/3 पाई टाइम्स का मतलब इंटू क्यूब ऑफ इट्स रेडियस, क्यूब ऑफ इट्स रेडियस। नहीं बात समझ में आई? एक बार बताओ ध्यान से मेरी बात समझो, ध्यान समझो, यहाँ से प्रैक्टिकल किया, वॉल्यूम कितना निकल के आया बताइए स्फीयर का 2/1000 मीटर क्यूब। अब एक तो वॉल्यूम निकालने का ये तरीका है प्रैक्टिकल करके, दूसरा तरीका क्या है, हमने क्या किया भाई बॉल का रेडियस तो नाप के रखे हो कि नहीं रखे हो, कुछ तो रेडियस होगा इसका, वो रेडियस का वैल्यू जब हमने यहाँ पे डाला किसमें 4/3 पाई × r³ में, तो पता है वॉल्यूम कितना निकल के आया, इतना ही निकल के आया, कितना 2/1000 मीटर क्यूब। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, अब हमने क्या किया, हमें भरोसा नहीं हुआ तो हमने क्या किया, हमने दूसरा स्फीयर लिया जिसका रेडियस अलग था, होगा कुछ इससे छोटा स्फीयर ले लो या इससे बड़ा ले लो, फिर से सेम प्रैक्टिकल करो, क्या करोगे बताओ, पानी से भरा हुआ एक जार लोगे, इसमें आराम से इस बॉल को डालोगे, बॉल नीचे आ जाएगी, बॉल वाटर को हटाएगी, बाहर वाटर आ जाएगा, बाहर जो वाटर आया उसका हमने वॉल्यूम मेजर कर लिया, कैसे मेजर कर लिया बताओ, जो ट्रफ में पानी आया उसको उठा के मेजरिंग सिलेंडर में डाला, वहां से जो वॉल्यूम मिला वो लीटर में मिला होगा, लीटर को हमने किसमें चेंज कर लिया मीटर क्यूब में, तो हमारे पास स्फीयर का वॉल्यूम आ गया, दूसरे वाला कोई स्फीयर होगा सपोज इससे छोटा स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है r1 है। फिर हमने क्या किया, हमने उसी स्फीयर का वॉल्यूम निकाला, कैसे निकाला, ये फॉर्मूला लगा के 4/3, इस बार रेडियस की जगह हमने कौन सी रेडियस रखी r1 वाली, r1 क्यूब किया, हमने क्या देखा जितना वॉल्यूम यहाँ से आ रहा है वाटर का उतना ही इस फॉर्मूले से भी आ रहा है, अरे रेडियस तो मेजर कर लोगे ना, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला क्या बैठता है 4/3 पाई इंटू वॉट रेडियस का क्यूब। नहीं समझ रही बात, दुनिया के किसी भी स्फीयर के लिए 2 हो रहा था, हमने अलग अलग रेडियस के बहुत सारे हमने स्फीयर लेके प्रैक्टिकल बार बार किया, तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो वॉल्यूम आता है ना मेजरिंग सिलेंडर में किसका वाटर का, वही तो स्फीयर का वॉल्यूम, इतना तो दिमाग लगा सकते हो ना कि स्फीयर का जो वॉल्यूम है वही वाटर डिस्प्लेस का, तो वाटर डिस्प्लेस का जो वॉल्यूम आता है उसको मीटर क्यूब में करने के बाद हम क्या करते हैं मैथ्स लगाकर इसकी पहले रेडियस नाप लेते हैं और मैथ्स लगाते हैं क्या 4/3 पाई और यहाँ पे क्या डालते हैं रेडियस जो मेजर करी आपने वर्नियर कैलिपर, पता है कितना आता है उतना ही आता है, इसका मतलब पक्का वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला क्या रहा होगा 4/3 पाई r³। तो इसीलिए हमने यहाँ कंक्लूजन क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज गिवन बाय व्हाट 4/5 टाइम्स का मतलब क्या होता है इंटू द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस। फिर से सुन लो, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कैसे निकालना है पढ़ो जरा, क्या लिखा है 4/3 क्या पाई टाइम्स का मतलब क्या होता है इनटू 4/3 पाई टाइम्स व्हाट क्यूब ऑफ इट्स रेडियस, रेडियस जो भी हो उसका क्या कर दो क्यूब। तो रेडियस मान लिया आर है तो उसका क्या करना है क्यूब। तो आज के बाद आप लोग याद रखेंगे क्या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कोई डाउट है बताइए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर पिछली बार की तरह फॉर्मूले ये नहीं बताइए, तो एक्टिविटी से बता रहे हो। सुनो, ये आप इंटीग्रेशन की हेल्प से करोगे कौन सी क्लास में, 12th क्लास में, और अभी आपने इंटीग्रेशन वगैरह नहीं पढ़ा हुआ है तो हायर क्लासेस में हम इसको प्रूफ भी करेंगे ऐसा क्यों होता है, अभी हमने एक्टिविटी की हेल्प से प्रूफ किया। कोई डाउट है बताइए, समझ गए बात। फिर से एक बार कंक्लूड करता हूँ, कुछ नहीं करना है, बॉल डाला वाटर में, जितना पानी निकलेगा उसका वॉल्यूम मेजर कर लो ट्रफ में, वो जो वाटर का वॉल्यूम है वही किसका वॉल्यूम है स्फीयर का, इसका मतलब एक तरीके से किसका वॉल्यूम आ चुका स्फीयर का आ गया, हमने निकाल के रख लिया कुछ भी उसकी वैल्यू आई। फिर दूसरा तरीका क्या है वॉल्यूम निकालने का 4/3 पाई इंटू आर क्यूब करके, आर कहाँ से मिलेगा इसका डायमीटर मेजर करके 2 से डिवाइड कर दो रेडियस मिल जाएगा। जब हमने 4/3 पाई आर क्यूब लगाया तो जितना वॉल्यूम आ रहा था वो वाटर डिस्प्लेस के वॉल्यूम के इक्वल आ रहा था, इसका मतलब पक्का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होना चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब। एक स्फीयर के लिए नहीं हुआ ऐसा, जितने स्फीयर लिए हमने छोटा बड़ा उससे बड़ा उस अलग अलग रेडियस के लिए बार बार ये रिजल्ट क्या आ रहा था ट्रू आ रहा था, हर स्फीयर के लिए ट्रू आ रहा था। इसका मतलब हम समझ गए अच्छा मैथमेटिकली अगर हमें किसी स्फीयर का वॉल्यूम निकालना हो तो हम क्या करेंगे 4/3 पाई टाइम्स व्हाट क्यूब ऑफ द रेडियस। 4/3 पाई, 4/3 पाई तो क्या है कांस्टेंट है, टाइम्स का मतलब इंटू वेरिएबल कौन है यहाँ रेडियस है, अलग अलग रेडियस लेते रहोगे सभी रेडियस का क्यूब करके 4/3 पाई में क्या करते रहो मल्टीप्लाई, तो आपको अलग अलग स्फीयर का वॉल्यूम मिलने लगेगा। कोई डाउट है बताइए। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। तो अभी के लिए आपको करना क्या मैं आपको बता दूं, अभी के लिए आपको सीधे सीधे याद कर लेना है फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज व्हाट 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर तो सबको पता है, क्या करेंगे स्फीयर को यहाँ से ऐसा कट कर देंगे। हाँ इसको देखो मैं कट करने जा रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ से ऐसा कट करूंगा। अब ये मेरी बिटिया का खिलौना है, जो बच्चे शुरू से रील फॉलो कर रहे हैं उनको पता है, हाफ जस्ट नहीं हुआ है, मैं क्या करूं कंपनी ऐसा बना के भेजी है, मान लो कि आधा आधा हो गया, मान लो आधा आधा हो गया तो सोचो कैसा दिखाई पड़ेगा आपको। हाँ इसको यहाँ से कट किया अलॉन्ग द डायमीटर, एक पोर्शन आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा और एक पोर्शन आपको ऐसा, अगर वापस से इसको चिपका दें ऐसा तो पूरा स्फीयर बन जाएगा। अब एक बात बताओ बच्चों, क्या मान लो कि आयरन का कोई बॉल है, आयरन का पूरा भरा हुआ खोखला नहीं अंदर से होलो नहीं है, पूरा मटेरियल भरा हुआ है और उसको हमने ऐसा काट दिया और फिर हमने यही वाला प्रैक्टिकल किया तो स्फीयर जितना वॉल्यूम हटा रहा था उसका जस्ट हाफ हटाएगा ना, ये नहीं समझ में आई बात। तो जितना वॉल्यूम अभी आपने कैलकुलेट किया था किसका स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, इसको 2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा किसका हेमिस्फीयर का। तो ध्यान से बच्चों जरा चेक करिए, हमने यहाँ पे आपको फॉर्मूला बना के दिखा रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू व्हाट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और डिवाइडेड बाय क्या करना है 2, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय क्या करना है 2, सही है। आइए जरा देखिए तो बच्चों न्यूमरेटर में क्या रखना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना बताइए 4/3 पाई आर क्यूब और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 2, ठीक। अब ये नहीं सॉल्व करना आता है बताइए, बहुत इजी है, 3 उतर के कहाँ जाएगा नीचे और 2 में मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा बताइए 4/3 पाई, ये देखिए ऐसा हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब तो ऊपर रहेगा, 4 पाई आर क्यूब तो ऊपर रहेगा और ये 3 उतर के नीचे आएगा और 2 में मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। अब देखो 2 1 2 और 2 2 क्या हो गया 4, बताओ क्या बचा बच्चों 2/3 आगे बचा और साथ में क्या बचा पाई आर क्यूब। को डाउट है बताइए। आज के बाद याद रहेगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। ध्यान से सुनो फिर से, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है तो सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई तो लिखना ही है, फिर पीछे क्या करना है रेडियस का क्यूब करना है, रेडियस के ऊपर क्या लगाना है क्यूब लगाना है तो 4/3 पाई आर क्यूब। कोई डाउट है बताइए, ठीक। उसके बाद हेमिस्फीयर का सर वॉल्यूम कैसे निकालें, स्फीयर को 20 से कट कर दिया तो जितना भी वॉल्यूम था वो हाफ हो जाएगा, सही है। अब हाफ कैसे करें सर, अरे भाई जो आंसर पहले आया था उसको 2 से डिवाइड लगा दो। अब खुद दिमाग लगाओ, ये हमने आपको करके दिखाया, जब 2 से डिवाइड लगेगा इस पूरे को, जब 2 से 4/3 पाई आर क्यूब को 2 से डिवाइड लगाओगे तो 3 उतर के नीचे आएगा और 2 4 को क्या करेगा कट तो ऊपर क्या बचेगा 2 और नीचे क्या बचेगा 3 तो 2/3 पाई आर क्यूब। कोई डाउट है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। कोई डाउट है। तो ये दोनों फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक एग्जाम्पल आइए हम लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए बच्चों एक छोटा सा बहुत एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है ना, जिसको जो नोट करना है तो कर सकता है। कर लीजिए। चलो अब देखो बच्चों, हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन देते हैं, ध्यान से चेक करिएगा। मान लीजिए कि बच्चों कोई स्फीयर है, ये देखिए ये कोई स्फीयर है, इसका रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, कितना है 2, तो रेडियस की वैल्यू हमने आपको दे दी 2 सेंटीमीटर, सही है। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो निकल के आएगा, आप बोलोगे सर फॉर्मूला है 4/3 पाई r क्यूब। बताना मैं आपको ये चाहता हूं कि यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की। वॉल्यूम की बात करते हैं तो कितने डायमेंशंस होते हैं, टोटल 3 डायमेंशंस होते हैं, भूल चुके हो, लेंथ में ओनली 1 डायमेंशन की बात करते हैं, केवल लेंथ में। अरे भाई लंबाई कितनी, किसी रॉड की लंबाई हम बोलते हैं 2 मीटर है या 2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं। एरिया में आप क्या बात करते थे कि भाई इतना, इसका एरिया क्या है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर आता था वहाँ, 2 डायमेंशन की बात करते थे, सेंटीमीटर पे स्क्वायर लगा रहता था। वॉल्यूम में आपने देखा है सेंटीमीटर पे क्या लगा रहता है, क्यूब, मीटर पे क्या लगा रहता है, क्यूब। तो ये 3D फिगर है ना, चेक कर लो। और 3 डायमेंशनल फिगर प्लेन में नहीं सेट होते हैं, वो तो प्लेन से निकल के बाहर आते हैं। इसको चेक करो, ये एक सर्कल है तो ये जाके प्लेन में सेट हो गया, लेकिन बॉल क्या है, बॉल तो स्फीयर है, ये 3 डायमेंशनल फिगर है, ये प्लेन में नहीं सेट हो रहा है, ये प्लेन से निकल के बाहर आ रहा है। याद है आपको 3 डायमेंशन की बात करी थी हमने, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। तो ये जेड एक्सेस भी तो ले रहा है, सही है, निकल कर प्लेन से बाहर आया, तो 3 डायमेंशनल फिगर है ना ये। तो यहाँ पे डायमेंशंस कितने होंगे, टोटल 3, और वो तीनों ही डायमेंशंस कौन है, रेडियस ही तो है। आर का क्यूब लिखा है, r इंटू आर, पहली डायमेंशन भी क्या है रेडियस, सेकंड डायमेंशन भी क्या है रेडियस, और थर्ड डायमेंशन भी क्या है रेडियस। कोई डाउट है? तो इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो किसमें आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। आइए निकाल के हम आपको दिखा देते हैं। तो बच्चों 4/3 पाई और आर का क्यूब करना है, यानी कि 2 सेंटीमीटर का क्या करना है, क्यूब करना है, ठीक है। अब कर लो इसको 4/3 पाई, पाई के टर्म्स में ही छोड़ देना, बस मैं ऐसे ही सॉल्व करा था। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 3 6 मत कर देना, 2 का क्यूब का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 को 3 टाइम्स क्या करना है, मल्टीप्लाई। मैं करके दिखा दे रहा हूँ एक क्वेश्चन आपको, ठीक है। 2 का क्यूब का मतलब देखो, ये क्यूब 2 को मिलेगा, सेंटीमीटर को मिलेगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, क्यूब। तो क्या आ जाएगा 2 × 4 = 8, है ना, और 8 × 4 कितना हो जाएगा 32, 32/3, और साथ में क्या आ गया पाई, तो 32/3, और पाई को ऐसे रहने दो। ये आ गया लीजिए वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। कोई डाउट है बताइए। बढ़ते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स की तरफ, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 17, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 11.2 सेंटीमीटर। खुद से ट्राई करके वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा आप लोग, जो ऑनलाइन देखने हो तो गया होगा आप लोगों से, फिर भी मैं सॉल्व करता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बच्चों इज इक्वल्स टू व्हाट, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है ना। आर की जगह क्या रखना है हमको, 11.2 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 11.2। आइए सॉल्व करते हैं। तो ये जगह 4/3 बच्चों, पाई जब तक कुछ बोला ना जाए तो हमें क्या रखना है 22/7, तो पाई का वैल्यू 22/7, और यहाँ कुछ नहीं लगा तो ये सब मल्टीप्लाई लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई। और आर का वैल्यू क्या रखना है 11.2 का क्यूब, यानी कि 11.2 इंटू 11.2 इंटू 11.2। कुछ बच्चे क्या करते हैं 11.2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रॉन्ग। 11.2 को क्या करना है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। अब एक बात बताओ, वॉल्यूम है तो किसमें आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। एक क्यूब सेंटीमीटर यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम आएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में, सही है। चलो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसको बस सॉल्व करना है, क्या दिक्कत है, कर लो। देखो 7 × 1 = 7, ठीक, और ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, 7 × 1 = 7 हो गया, 11 में से 7 गया, कितना बचा 4, 4 मिलेगा किसको 2 को, 42, तो 7×6 = 42, पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाए तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, डेसिमल। कोई डाउट है बताइए। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 3×1 = 3, ठीक है, क्योंकि देखो 2 + 1 + 1 कितना हो गया, 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 + 1 कितना हो गया 4। अच्छा ये 3 की टेबल से नहीं जाएगा, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, नीचे 3 रहने दो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। चलिए अगर यहाँ पे हम सम करते और कितना आ जाता, 3 की टेबल में आ जाता वो नंबर, तो ये 3 से मतलब 3 का मल्टीपल होता, 3 की टेबल में आ जाता, मान लो सम करने पे 3 आ जाता, या 6 आ जाता, या 9 आ जाता, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाता। अभी तो नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, क्या करें। देखो जरा 4 × 22 कितना हो जाएगा बताओ, 88, ठीक है ना। 3 × 1 यानी कि अपॉन में तो 3 है, क्योंकि 3 × 1 = 3 आ जाएगा। अब ऊपर देखो बच्चों न्यूमरेटर में, पहले एक काम करो आप, इन तीनों को चलो मल्टीप्लाई करते हैं, उसके लिए हम क्या करें, इन दोनों को पहले करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको 1.6 से करेंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं, तो 11.2 और इंटू 11.2, तो 2×2 = 4, 2×1 = 2, 2×1 = 2, ठीक है ना। फिर 1 से करना है, 1×2 = 2, 1×1 = 2, 1×1 = 1, ठीक है, और 1×1 = 1, फिर क्रॉस और क्रॉस, 1×2 = 2, 1×1 = 1, 1×1 = 1। सॉल्व करते हैं, 4 2 + 2 4, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 1 + 1 2, और इधर 1, पीछे से 1 डिजिट छोड़ के 2 डिजिट छोड़ के, देखो ना 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल, 2 डिजिट छोड़ के, तो 1 2 डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल लगा दिया, कितना आ गया 125.4 44। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है यहाँ 125.44 लिख देता हूँ यहाँ पर। तो कितना हो गया 4 × 22 88 हो गया और इंटू में 1.6 और इंटू में इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आया 125.44। कोई डाउट है बताइए। अब 125.44 को 1.6 से कर लो तो 125.44 को किससे करेंगे बोलिए 1.6 से, ठीक है ना। करिए 6 × 4 = 24 2 जाएगा 6 × 4 = 24 24 + 2 26 2 जाएगा 6 × 5 = 30 30 + 2 32 यहाँ 3 जाएगा 6 × 2 = 12 + 3 = 15 1 जाएगा 6 × 1 = 6 + 1 = 7 ठीक है। चलो फिर क्रॉस लगाएंगे 1 × 4 = 4 1 × 4 = 4 और 1 × 4 = 4 1 × 5 = 5 1 × 2 = 2 1 × 1 = 1 4 6 + 4 = 10 कैरी जाएगा 1 3 + 2 + 1 3 + 4 = 7 ठीक है 5 + 5 = 10 कैरी जाएगा 1 7 + 1 8 + 2 = 10 कैरी 1 यहाँ पे आ गया 2। अब पीछे से 2 डिजिट बाद डेसिमल यहाँ पे लगा 1 डिजिट यहाँ पे तो टोटल कितनी डिजिट होगी 3। तो पीछे से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे कितना आ गया 200.704 ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 88 इंटू अब ध्यान दें 1.6 × 125.44 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आया 200.704। कोई डाउट है। और अपॉन में क्या बताइए 3 है। अब 200.704 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 88 से और जो आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे। कैलकुलेशन के लिए तैयार रहिए कैलकुलेशन तो हो गई है ना। चलो कितना है 200.704 इंटू 88 करना है तो करते हैं इंटू 88 8 × 4 = 32 3 8 × 0 = 0 + 3 कितना आ जाएगा 3 8 × 7 = 56 यहाँ जाएगा 5 8 × 0 = 0 + 5 5 8 × 0 = 0 8 × 2 = 16। अब देखो यहाँ पे फिर से 8 है तो एक क्रॉस लगाएंगे और सेम नंबर को कॉपी कर देंगे बिकॉज मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा 2 3 6 5 0 6 1 ठीक है 2 3 + 2 5 6 + 3 9 5 + 6 = 11 कैरी जाएगा 1 0 + 1 = 1 1 + 5 6 6 + 0 = 6 6 + 1 = 7 और इधर आ गया 1। पीछे से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है ये देखिए 17661.952 तो 88 × 200.704 इनका रिजल्ट क्या आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 17661.952 और डिवाइडेड बाय 3। कोई डाउट है बताइए। अब इसको 3 से क्या करना है डिवाइड करना है ठीक है ना। करते हैं कैसे करेंगे सर चलो दिखाते हैं कैसे करेंगे। क्या है 17661.952 को किससे डिवाइड करना है 3 से ठीक है। देखिए 3 × 5 कितना हो जाएगा बताइए 15 ठीक 7 - 5 कितना हो जाएगा 2 1 - 1 यहाँ कुछ नहीं बचेगा 6 को कॉपी कर लेंगे 3 × 8 = 24 ठीक है 26 - 24 कितना आ जाएगा 2 सही है ना। और यहाँ से 6 कॉपी कर लोगे फिर से 3 × 8 = 24 6 - 4 = 2 2 - 2 = 0 फिर यहाँ से 1 कॉपी कर लीजिए तो जब यहाँ से 1 कॉपी करोगे तो 3 × 7 कितना होता है बताइए 21 होता है ठीक है ना। यहाँ कुछ नहीं बचा लेकिन ध्यान दें अब यहाँ पे डेसिमल है तो पहले यहाँ पे डेसिमल लगाओ और नेक्स्ट डिजिट को कॉपी कर लो। कोई डाउट है बताइए। फिर क्या जाएगा बताइए 3 × 3 क्या हो गया बताइए 9 फिर 9 - 9 0 फिर यहाँ से हमने क्या उतारा 5 ठीक है ना। अब 3 × 1 क्या होता है बताइए 3 होता है ठीक है ना 3 × 1 = 3 ओके 5 - 3 कितना होता है 2 फिर नेक्स्ट कॉपी कर लीजिए यहाँ से 2 ठीक फिर 3 × 7 कितना हो जाएगा 21 बस यहाँ पे 1। अब छोड़ दो इसको डेसिमल के कितने प्लेसेस तक निकाल लिया 1 2 3 प्लेस तक निकाल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ कर दो ठीक है। बता रहे हैं यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बच्चों आंसर कितना आया बताइए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आ गया बोलिए फटाफट देख के ये आ गया है कितना 5 8 8 7.317 317। अब सुनो लास्ट में क्या है 7 है जो कि 5 से बड़ा है 5 से ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे आगे वाले डिजिट में इस 7 को हटाने के लिए आगे वाले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे तो आगे 1 है तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 तो ये 2 प्लेसेस तक आ जाएगा डेसिमल के 2 प्लेसेस तक 7 5 8 8 7.3 और 1 में 1 ऐड करोगे 2 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से इसका आंसर आएगा 3 प्लेस तक निकाल के फिर हम क्या करते हैं राउंड ऑफ करके 2 प्लेस तक ले आते हैं। कोई डाउट है बताइए। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 5887.32 सेंटीमीटर क्यूब। एग्जाम्पल नंबर 18 अ शॉर्ट पुट इज अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.9 सेंटीमीटर। शॉर्ट पुट समझते हो बच्चों वो आपने देखा ना ये एक स्फीयर होता है ऐसा पूरा मेटल का स्फेयर होता, काफ़ी भारी होता, शॉर्टपुट खेलते सर, दूर तक ऐसा फेंकते, ठीक है ना। तो उसी शॉर्टपुट की बात कर रहा है, ये मेटेलिक स्फेयर है ना, कि मेटल का बना हुआ है, काफ़ी भारी, अगर आपने कभी उठाया हो, ठीक है। रेडियस कितना है इसका, 4.9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब जिस भी मेटल का ये बना हुआ है, सपोज आयरन का बना हुआ है, किसका, आयरन का, लोहे का बना हुआ है, तो लोहे की जो डेंसिटी दी है इन्होंने कितनी दी है, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर हम लोग ये सोचें कि लोहे का, आयरन का एक क्यूब है, आयरन का एक क्यूब है, और इस क्यूब के साइड्स कितने हैं, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, पता है। तो ये अगर पूरा आयरन से भरा हुआ 1 सेंटीमीटर क्यूब का आपके पास एक पीस है क्यूबिकल शेप का आयरन का, तो इसका मास कितना होगा, 7.8 ग्राम। ये इसका मीनिंग है कि जो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मास बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। तो मास कितना है इसका, 7.8 ग्राम, ठीक है ना, और वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब 7.8 बाय 1 कितना आ जाएगा, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम अगर हम ले लें आयरन का, तो उसमें मास कितना मिलता है हमको, 7.8 ग्राम, ये इसका मीनिंग है। अब बहुत ईजी, इन्होंने हमसे क्या पूछा है, इन्होंने बोला फाइंड द मास ऑफ द शॉटपुट, इसका मास कितना है। तो ये निकालने के लिए, अच्छा एक बार बताओ, इसका मास ग्राम्स में आएगा कि किलोग्राम्स में आएगा, सोचो। मेरे ख्याल से तो ग्राम में अगर आएगा तो बहुत बड़े बड़े नंबर आएंगे, उसको हमें किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। अरे भाई भारी होता है ये काफ़ी। 1 किलोग्राम आलू लेके आए हो कभी, 1 kg आलू बाज़ार से खरीद के लेके आए हो, आप लोग भी लाए होंगे कभी, देखिएगा 1 किलोग्राम। हाँ, अगर हम 1 किलोग्राम का ही शॉर्टपट दे देना तो फेंक नहीं पाओगे, कंधा उखड़ जाएगा। हाँ, वो काफ़ी भारी भारी होते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं बताना यहाँ पे ये चाहता हूँ कि ये जो शॉर्टपट है, चलो इसको हमने बना लिया यहाँ पे, और इसकी रेडियस कितनी बच्चों, स्फेरिकल मानिएगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इसका रेडियस कितना है, 4.9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आप एक काम करो, इसका मास हम निकालने के लिए क्या करें, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। क्यों सर, अरे भाई इसका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास होता है ये आपको पता है, चेक कर लीजिए। क्या बोला है, डेंसिटी क्या है, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम अगर लें इस मेटल का, कौन से मेटल का, जिस मेटल से ये शॉर्टपट बना हुआ है, ठीक है, तो उस मेटल का अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लें तो कितना मास आता है, 7.8 ग्राम। तो इस शॉर्टपुट में कितना मेटल है ये निकाल लो, कितना मेटल का मतलब कितना इसका वॉल्यूम है वो निकाल लो, और उठा के 7.8 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई, तो आपको इसका मास पता चल जाएगा ग्राम्स में। फिर ग्राम्स को 1000 से डिवाइड कर दोगे तो किलोग्राम में आंसर आ जाएगा। देखते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ शॉर्टपट सबसे पहले निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ शॉर्टपट विच इज स्फेरिकल, स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 4/3 पाई, पाई का वैल्यू कुछ नहीं बोला है ना, तो क्या लेंगे, 22/7 इंटू r का क्यूब। रेडियस कितना है चेक करो, 4.9 है, तो 4.9 का क्यूब, यानी कि 4.9 इंटू 4.9, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं, 7 × 7 और 7 × 7 क्या होता है, 49, बट पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाए, तो यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे और यहाँ पर 0.7 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 3 से तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, है ना, चलो सॉल्व करते हैं। 4 × 22 कितना हो जाएगा, 88, फिर क्या बचा, इंटू में 0.7 इंटू 4.9 इंटू 4.9 और डिवाइडेड बाय व्हाट, 3 बचा ना नीचे। अब चेक करो, 4.9 को 4.9 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद 0.7 से, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो 4.9 इंटू 4.9, कैलकुलेशन के लिए तैयार रहिएगा इस चैप्टर में। 9 9 जा 81 8, 9 4 जा 36, 36 + 8 कितना हो जाएगा, 44, ठीक है। 4 9 जा 36, यहाँ पे जाएगा कैरी 3, 4 4 जा 16, 16 + 3 19, 1 6 + 4 10, कैरी 1, 9 + 4 13 + 1 15, है ना, कैरी 1 कितना आ गया, 2501, 1 4 + 6 10, कैरी 1, 4 + 1 5, 9 + 5 कितना हो गया, हाँ यहाँ पे गलती होगी देखिए, 1 4 + 6 कितना हो गया, 10, कैरी जाएगा कितना, 1, तो 4 + 1 कितना हो गया, 5, 5 + 9 कितना होता है, 14 ना, और कैरी 1 जाएगा, 1 + 1 2, 2401, ठीक है ना। तो 4.9 इंटू 4.9 किया तो कितना आ गया, देखो 88 इंटू 0.7 हमने ऐसे लिखा, इंटू 4.9 इंटू 4.9 जो किया है उसको यहाँ पे लिख दो, कितना आया मल्टीप्लाई होके, चेक करो, पीछे से 1 डिजिट छोड़ के 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, 24.01, तो 24.01 और डिवाइडेड बाय व्हाट, 3। अब 0.7 को 24.01 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ करते हैं, ठीक है ना। तो 24.01 को हम लोग 0.7 से करते हैं, ठीक, तो 0.7 से करते हैं, देखते क्या होता है। 7 × 7 7 0 0 7 4 28 2 टू जाएगा ना, क्या 7 × 14 + 2 16, सही है। बस अब जीरो से करने की कोई जरूरत नहीं है। चेक करो पीछे से 1 डिजिट छोड़ के 2 और 3 डिजिट छोड़ के क्या लगाएंगे डेसिमल, ठीक है ना। तो कितना आ गया 88 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया 16.807 अपॉन में 3। अब 16.807 को 88 से क्या करो मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो करते हैं 16.807 को, तो 16.807 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 88 से, ठीक है ना। 88 से करते हैं, ठीक है। 8 7 = 56, 5 जाएगा यहाँ, 8 0 = 0 0 + 5 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। फिर 8 8 = 64, 6 जाएगा, 8 6 = 48 48 और +6 कितना हो जाएगा 54, ठीक है ना। और यहाँ जाएगा 5, 8 1 8 + 5 कितना हो जाएगा 13, करेक्ट, ये हो गया। अब देखो क्रॉस लगाया, फिर से 8 से मल्टीप्लाई करना है तो सेम नंबर आ जाएगा, यानी कि 6 5 4 4 3 1। यहाँ 6 6 + 5 11, कैरी जाएगा 1, 5 + 5 10, कैरी जाएगा 1, 4 + 4 8 + 1 9, 3 + 4 7, 3 + 1 4 और यहाँ आ गया 1, ठीक है। पीछे से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे 1 2 3, तो कितना आ गया 1479.016, ठीक है। तो 88 × 16.807 कितना आ गया 149.016 और डिवाइडेड बाय क्या आ गया 3। अब इसको 3 से डिवाइड करिए, 3 प्लेस तक आंसर निकालिए और 2 प्लेस पे राउंड ऑफ करिए, ठीक है ना। तो यहाँ करते हैं कैलकुलेशन, बहुत है बच्चों इसमें कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलो देखो जरा क्या है 1479.016, करेक्ट। और एक काम करते हैं, सुनो, उन्होंने हमसे वॉल्यूम थोड़ी ना पूछा था, उन्होंने हमसे क्या पूछा था मास पूछा था कि नहीं पूछा था। इसको मत सॉल्व करो, मेरी बात समझो। पता है मेरा दिमाग थोड़ा सा घूम गया, देखो कैसे ये आया आपका जो भी आ रहा होगा वॉल्यूम आ रहा होगा सेंटीमीटर क्यूब में, सही है। अब इतना सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आया है, मैंने आपको क्या बोला था 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है 7.8 ग्राम, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना होगा, इसको उठा के इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 7.8 से, ठीक है। तो मास आ जाएगा। पता है ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं इसको क्यों नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, सुनो। उसने हमसे क्या पूछा है मास ऑफ द शॉर्टपुट पूछा है ना, उसने हमसे मास ऑफ द शॉर्टपुट पूछा है, वॉल्यूम थोड़ी ना पूछा है। तो वॉल्यूम हमने ऐसे निकाल के यहाँ तक छोड़ दिया। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई मास ऑफ व्हाट ऑफ शॉर्टपुट इज इक्वल्स टू, क्या किया हमने वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई कर दिया डेंसिटी से। चेक करो वॉल्यूम इंटू व्हाट डेंसिटी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ये क्या कर रहे हो सर, सुनो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी को रो से दिखाते हैं, इस लेटर को क्या पढ़ते हैं हम लोग रो, RHO रो, ये डेंसिटी होता है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है मास बाय वॉल्यूम। तो अगर आपको मास निकालना हो तो वॉल्यूम जाके इधर मल्टीप्लाई कर देगा ना डेंसिटी में, तो मास इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी या फिर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यही तो मैं कर रहा हूँ, मास ऑफ द शॉर्टपुट निकालना है तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर दिया। और फिर भी अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो आप चेक कर लो ना भाई, इतना सारा वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक। और 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम होता है उसी को तो डेंसिटी बोलते हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम 7.8 ग्राम है, तो इतने सारे सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, इसको 7.8 से मल्टीप्लाई ही तो करोगे। अब सुनो अगर अभी भी नहीं फील आ रहा आप यूनिट के साथ रखो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। सुनो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इतना है, सॉरी क्यूब कह रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द शॉर्टकट इतना है कितना 149.016 अपॉन 3। अब इसकी यूनिट लिखो क्या है सेंटीमीटर क्यूब इंटू डेंसिटी, डेंसिटी कितनी बताइए 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो सेंटीमीटर क्यूब एक नीचे एक ऊपर कटा कि नहीं कटा, यूनिट किस में आई ग्राम में, ग्राम किसकी यूनिट होती है मास की। अब पता है मैंने इसको क्यों नहीं सॉल्व किया, मैंने 7.8 से क्यों मल्टीप्लाई किया, पता है मैंने तुरंत अपना दिमाग कैलकुलेट कर लिया था दिमाग में कि नीचे यहाँ पे 3 पड़ जाएगा और 7 + 8 कितना होता है 15, जो कि 3 की टेबल में आता है, तो आराम से कट जाएगा कि नहीं, 3 इसको काट देगा कि नहीं, ऐसे मैंने सोचा। क्योंकि मुझे वॉल्यूम थोड़ी ना निकालना था, मुझे तो मास निकालना था, तो वॉल्यूम मैंने यहीं तक निकाल के छोड़ के मैंने डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे को मास आ जाएगा जो भी आना होगा, सही है ना। तो देखो 3 1 3, ठीक। और ध्यान से चेक करिएगा बच्चों 3 2 क्या हो जाएगा 6, कैरी जाएगा 1, 3 6 18, पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल। अब इससे थोड़ा सा इजी हो गया कि यहाँ में डिवीजन के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ा। तो कितना आ जाएगा बताओ 149.016 इंटू वॉट इंटू 2.6 क्या ग्राम, कोई डाउट है बताइए। हाँ चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखते हैं कितना ग्राम आ रहा है। चलो कितना बच्चों 149.016 इंटू वॉट 2.6, सही है, करो 6 6 ज़ा 36, 3 जाएगा, 6 1 ज़ा 6 प्लस 3 9, 6 0 ज़ा 0, 6 9 ज़ा कितना होता है 54, 5 जाएगा, 6 7 ज़ा 42, 42 प्लस 5 कितना हो जाएगा 47, 4 जाएगा कैरी, 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 4 28, 2 जाएगा, 6 1 ज़ा 6 प्लस 2 8, सही है। अब देखो जरा 2 6 ज़ा क्रॉस लगाएंगे, 2 6 ज़ा 12 कैरी जाएगा 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, 2 0 ज़ा 0, 2 9 ज़ा 18 कैरी 1, 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 15 कैरी 1, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9, ठीक है ना, और 2 1 ज़ा 2, कोई डाउट है बताइए कितना आ गया 6 9 प्लस 2 11 कैरी जाएगा 1 0 प्लस 1 1 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 0 4, 7 प्लस 8 15 कैरी 1, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 5 14 कैरी 1, 9 प्लस 9 18 कैरी 1, इतना आ गया। पीछे से 1 डिजिट 2 3 4, 1 2 3 4 डिजिट छोड़ के क्या लगा देंगे डेसिमल, को डाउट है बताइए। तो कितना आ गया बताइए, कितना आ गया आंसर आपका 3 8 4 5.4416 क्या ग्राम। क्या ऐसे ही छोड़ दोगे, मास आया है, मास ऑफ व्हाट शॉर्टकट कितना आया बोलो फटाफट, 3845.4416 ग्राम इतना आया मास। अब बताओ किसी को शॉर्टकट का कोई आपसे मास पूछेगा तो आप उसको ऐसे बोलोगे भैया 3845 ग्राम के आसपास है, नहीं अरे भाई 3000 आ गया ग्राम में, ऐसे कैसे बताओगे, इसको बड़े यूनिट में चेंज कर लो, 1000 से डिवाइड करो तो किलोग्राम में आ जाएगा, ग्राम को 1000 से डिवाइड करो किलोग्राम में आ जाएगा। जैसे ही हमने इसको 1000 से डिवाइड लगाया, ये जी की जगह हम क्या लिख देंगे केजी। अब ये डेसिमल 1 2 3 प्लेस कहाँ चला जाएगा लेफ्ट में, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास 3.845। और एक बार बताऊं, बाकी सारे डिजिट आप छोड़ दीजिए, बच्चे बोलेंगे सर क्यों नहीं लिख रहे हो, अरे भाई डेसिमल के 3 प्लेस तक इनफ है बस आंसर। तो ये आ गया आपका किसमें किलोग्राम में। अब आप देखोगे तो बुक में उन्होंने डेसिमल के 2 प्लेस तक लिखा, आप ऐसे छोड़ दो तब भी सही है, 2 प्लेस तक लिखना हो आप तब भी सही है, चेक करो लास्ट में क्या है 5, लास्ट में 5 या 5 से ज़्यादा नंबर हो तो आगे क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 3.84 में 1 ऐड करो 5, तो 3.85 क्या किलोग्राम। और ब्रैकेट में लीजिएगा अप्रॉक्स, क्योंकि हमने सब राउंड ऑफ वगैरह करके निकालना है, ठीक है ना। तो ये आ गया मास अप्रॉक्सिस का शॉर्टपुट का, ठीक है 3.85 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर आपको इसको फील करना हो, पता है 1 किलोग्राम आलू जानते हो ना कितना होता है, सोचो लगभग ये 4 किलोग्राम के आसपास है, चेक कर लो 3.8 आ रहा है भैया, 3.85 आ रहा है, हाँ लगभग 4 किलोग्राम के आसपास है। तो 1 किलोग्राम आलू को लगभग 4 टाइम्स करके तब फेंक के देखो एक हाथ से, ठीक है ना, तो इतना भारी ये शॉर्टपुट है। ओके तो इसको कर लीजिए स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 19 देखिए, अ हेमीस्फेयर बाउल हैज़ अ रेडियस, बाउल समझते हो ये ऐसा, देखिए ये बाउल ऐसा एक कटोरा है हेमीस्फेरिकल शेप का, हेमी ये नीचे से फ्लैट है, फ्लैट नहीं होना चाहिए, हेमीस्फेयर मतलब को समझो जरा स्फेयर है, और स्फेयर को आपने क्या किया ऐसा यहाँ से बीच से ऐसा कट कर दिया, होलो स्फेयर है, खोखला है अंदर कुछ नहीं है। तो जब इसको ऐसा कट कर दोगे तो आपको एक बाउल दिखाई पड़ेगा, एक कटोरा दिखाई पड़ेगा ऐसा हेमीस्फेयर। ये तो एग्जैक्टली बराबर भागों में नहीं बटाया, बात समझो ना, अब ये ऐसा ही मैं क्या करूँ बीच से काटो इसको एकदम, यहाँ पे देखो जरा ये एक स्फेयर है और आपने इसको अलोंग द डायमीटर ऐसे कट कर दिया, ठीक है ना, ये देखिए एक हेमिस्फेयर ऊपर दिखाई पड़ेगा और एक नीचे दिखाई पड़ेगा ऐसा, है ना। तो एक को हम हटा दे रहे हैं, ये बाउल बन गया, इसमें आप वाटर डाल सकते हो, तो बताओ इसमें कितना वाटर हमने डाला, उस वाटर का वॉल्यूम कितना होगा, तो आप बोलोगे सर जितना स्फेयर का वॉल्यूम होगा, सॉरी जितना हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होगा। अब हेमिस्फेयर का वॉल्यूम तो निकालना आता है, मान लो इसका रेडियस कितना है आर है, ठीक। अब एक बार बताओ बच्चों, पूरे रेडियस का भी, पूरे जो स्फेयर था उसका भी रेडियस कितना था आर, तब वॉल्यूम कितना आता था 4/3 पाई r क्यूब, तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कैसे आएगा 4/3 पाई r क्यूब, यानी कि स्फेयर के वॉल्यूम को 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, इसको हाफ कर दो, इसके वॉल्यूम को 4/3 पाई r क्यूब को हाफ कर दो, हाफ जब करोगे 3 कहाँ जाएगा नीचे, तो क्या दिखाई पड़ेगा आपको 4 और 3 आ गया नीचे, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या आ जाएगा 2/3 पाई r क्यूब बस। अब चेक कर लीजिए यहाँ, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होगा बाउल में इट विल बी इक्वल टू व्हाट वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है ना, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 पाई r क्यूब, तो 2/3 पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया, तो 22.7 इंटू आर का क्यूब, रेडियस कितना है 3.5, तो 3.5 का क्यूब यानी कि 3.5 इंटू 3.5 क्या सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अब देखो 7 1 ज़ा 7 और 7 5 ज़ा क्या होता है 35, पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे तो 0.5 आ गया, और 3 से कोई भी नंबर नहीं कट रहा है ऊपर चेक कर लो, तो क्या करेंगे सबको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर फाइनली 3 से डिवाइड करके डेसिमल के 1 या 2 प्लेस तक ले आएंगे, ठीक है ना, देखते हैं क्या होता है। 3.5 इंटू 0.5, ठीक है ना। एक काम करते हैं, मुझे क्या समझ में आ रहा है पता है, ध्यान से चेक करो, मुझे ये समझ में आ रहा है ना, 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो 1 आ जाएगा। नहीं पता, अरे भाई 2 इंटू 0.5, देखो मैंने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू 0.5 को पास पास लिख लिया और फिर इंटू 22, ये सब कुछ मल्टीप्लाई में है ना, तो 2 इंटू 0.5 पहले लिख लिया, फिर इंटू 22 और इंटू 3.5 इंटू 3.5 और अपॉन में क्या है, अपॉन में है 3। पूरे में कौन डिवाइड कर रहा है, 3 नीचे था ना, तो पूरे में ही तो डिवाइड कर रहा है सबके मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है ना। अब बच्चों 2 इंटू 0.5 1 होता है, कैसे सर, 2 इंटू 0.5 चेक करो, 2 5 का जाएगा 10 और पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, 1.0 का मतलब क्या होता है 1 है। दूसरे तरीके से 2 इंटू 0.5 करना है, 0.5 का मतलब क्या होता है 1.2, 1.2 ही तो 0.5 होता है, 2 से 2 गया कितना आ गया 1, तो 2 इंटू 0.5 कितना हो गया 1, तो 1 इंटू 22 तो 22 आ जाएगा, चेक करो ना 1 इंटू 22 और 3.5 इंटू 3.5 करेंगे अपॉन 3, 22 इंटू 1 22 इंटू, अब 3.5 इंटू 3.5 देख लो कितना होता है, 3.5 इंटू 3.5, 5 जा 25 2, 5 3 जा 15 प्लस 2 17 इंटू 3 5 जा 15, 1 3 जा 9 प्लस 1 10, 5 7 प्लस 5 12 कैरी 1 2 1, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे 12.25 आ गया, 22 इंटू वॉट 12.25 और डिवाइडेड बाय 3। अब 12.25 को 22 से मल्टीप्लाई करो, करते हैं 12.25 को 22 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 2 5 द 10 1 2 टू 4 प्लस 1 5, ठीक 2 टू 4 2 1 2, फिर से सेम नंबर आएगा 0 5 4 2, ठीक है 0 5 4 प्लस 5 9 4 प्लस 2 6 2 6 9 5 0, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे यहाँ पे, तो 269.50 कितना आ गया 269.50 डिवाइडेड बाय 3, 269.50 को 2 से क्या करोगे, सॉरी 3 से क्या करोगे डिवाइड और आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। इतना कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, कोई दिक्कत हो तो कॉपी कर लो। चलो 269 पॉइंट कितना आ गया 50, इसको हमने 3 से डिवाइड लगाया, 3 8 का क्या होता है 24 और 6 - 4 2, 2 - 2 कुछ नहीं आएगा यहाँ पे 9 कॉपी किया, फिर 3 8 ज 24 3 9 जा वॉट 3 9 ज 27 9 - 7 2, ओके। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, हम 5 कॉपी तो करेंगे लेकिन 5 से पहले क्या है डेसिमल, तो यहाँ भी क्या लगा देंगे डेसिमल, फिर 3 8 जा वॉट 24 5 - 4 1 2 - 2 0 कॉपी करने की कोई ज़रूरत है नहीं, पता है क्यों, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो 269.50 का क्या मतलब है, डेसिमल के बाद 0 का तो कोई मतलब होता नहीं, तो इसको 269.5 लिख लिया होता, यहाँ पे भी लिख लिया होता, तो बस फिर 0 बचता ही नहीं, रिमाइंडर में कितना आ जाता 1, ठीक है बात वही पड़ती, छोड़ दो। अब बच्चे बोलेंगे सर कैसे छोड़ दें, एनसीईआरटी में ये आंसर आ रहा है, तो क्या सर मैच कराना होगा, नहीं भाई आप एक काम करो ना, डेसिमल की हेल्प से 0 लगा लो, 3 3 का कितना आ जाएगा 9 फिर से 1, तो ये तो क्या आ जाएगा 89.83 और फिर से 3 आ जाएगा लास्ट में, फिर से 3 आएगा तो राउंड ऑफ करोगे लास्ट में 3 जो कि 5 से क्या है छोटा, तो 89.83 सेंटीमीटर क्यूब, और राउंड ऑफ करना है तो लास्ट में 3 जो कि 5 से छोटा है, तो आगे कुछ भी नहीं करेंगे, यानी कि 89.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये रहा आपका वॉल्यूम, कोई डाउट है बताइए। अब बच्चे बोलेंगे सर लीटर में नहीं चेंज कर रहे हो, अरे भाई ठीक है लीटर में करोगे ना पॉइंट्स में आने लगेगा, ठीक है ना। बाउल बेचारा छोटा सा है, 3.5 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है, क्यों लीटर में निकालोगे बताओ, दिमाग लगाओ ना प्रैक्टिकली खुद। 3.5 सेंटीमीटर कितना होता है बताओ, ये स्केल लो, ये रहा बेचारा 3 सेंटीमीटर, ये देखो पता है ये रहा 3 सेंटीमीटर और 3.5 3 और 4 के बीच में यहाँ आएगा ये। अब सोचो इतना सा रेडियस है उसका, तो कितना बड़ा बाउल होगा, ये छोटा सा बाउल है, उस छोटे से बाउल में क्या तुम लीटर में पानी डाल दोगे, उसका छोटा यूनिट ही रहने दो ना, हाँ सही है ना। तो ये चीज़ है, बता देता हूँ फिर भी सुनो, पता है क्या 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है 1000 लीटर्स, ठीक है ना। तो 1 मीटर क्यूब को क्या लिख लोगे 1 मीटर इंटू 1 मीटर इज इक्वल्स टू वॉट 1000 लीटर, भाई 1 मीटर क्यूब को 1 इंटू 1 इंटू 1 लिख सकते हो, और 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर इंटू नेक्स्ट 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर इंटू वॉट नेक्स्ट 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 लीटर। अब ये सब इधर चला जाएगा, सॉरी 1 लीटर कह रहा हूँ, इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, यहाँ से 1 2 3 0 1 2 3 0 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 100 इंटू 10 1000 के नीचे चलाएगा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट 1/1000 लीटर, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब को जब लीटर में चेंज करना हो तो 1/1000 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, या फिर 1000 से क्या करते हैं डिवाइड, तो अगर इसको 1000 से डिवाइड करोगे भैया तो 0.00 कुछ आने लगेगा। हाँ लीटर्स में वॉल्यूम निकाल के दिखा दूँ, लो वॉल्यूम इन लीटर्स, जब भी सेंटीमीटर क्यूब में दिया हो 88.8 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, इसको आप 1000 से जैसे डिवाइड लगाओगे सेंटीमीटर क्यूब को, वॉल्यूम किस में आने लगेगा, लीटर में। तो ये डेसिमल 3 प्लेस कहाँ जाएगा, लेफ्ट में। तो आगे एक जीरो बढ़ा लेंगे तो 0.88 ये 89, ठीक है ना, 89 था लो, ठीक। तो इतना लीटर आ गया वॉल्यूम लो। हाँ कहाँ पे 9 था, अच्छा 89.8 था लो, लो 1000 से डिवाइड कर लो। तो ये डेसिमल कहाँ आएगा, 1, 2, 3 प्लेस लेफ्ट में। तो यहाँ कुछ नहीं था तो हमने जीरो बढ़ा लिया और इस जीरो के पहले हम डेसिमल लगा देंगे। 1, 2, 3 प्लेस कहाँ आया, लेफ्ट में, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस। तो क्या आ जाएगा 89.8 था ना, यहाँ था ना पॉइंट, यहाँ आ गया, ठीक है ना, 3 प्लेस लेफ्ट में। लीजिए किसी को बोलोगे ऐसे क्या कि 0.0898 लीटर है इसमें वॉल्यूम, ऐसा तो नहीं बोलोगे। तो सिंपली जब रेडियस बहुत छोटा है तो बड़े यूनिट में क्यों ले जा रहे हो, जो बच्चे शुरू से देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए ऐसा ही रहने दो आंसर। कोई डाउट बताइए। नाउ स्टूडेंट्स, जो आपका एक्सरसाइज 13.8 का सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो प्रिंट कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।